आज है ओरिएंटेशन सेशन का सेकंड डे और आज अब बहुत सारे एक्टिविटीज़ होने वाले हैं फ्रेशर्स बैच के लिए। तो मैं अभी निकल रहा हूँ कमरे से, अभी बजे हैं दोपहर के 1 और पहुँचते हैं, देखते हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ है। अचानक से कॉल आया है कि चलिए आ जाइए, वी नीड समवन। तो अब चलते हैं वहाँ पर और मज़ा आएगा फ्रेशर्स के बीच एक्टिविटीज़ एंड ऑल। करता हूँ अपडेट, बाय बाय, सी यू गाइस। फाइनली कॉलेज में हूँ, बहुत रश करके आया हूँ जल्दी जल्दी, सुबह से मैंने कुछ किया नहीं था तो अभी जैसे तैसे करके मैं पहुँचा हूँ। थक गया हूँ दौड़ दौड़ जाए और देखते हैं क्या काम है, ऐसे अचानक से बुलाना पड़ा है। और ये हमारा है कॉलेज का फर्स्ट फ्लोर, इसमें थिएटर हॉल एंड एवरीथिंग, और शांति रहती है, अच्छा लगता है। अब चलते हैं काम में लगते हैं। कैंटीन में हैं सारे के लोग, सारे स्टूडेंट्स फैकल्टीज, देखते हैं सबसे आपको मिलवाऊंगा। बाय बाय, सी यू। हेलो गाइस, काम बढ़ते जा रहा है, ठीक है, और थोड़ा पेनफुल हो लगा क्योंकि अब ग्राउंड पे काम करना पड़ रहा है, धूप होने वाला है। एक्चुअली जो बैचेस हैं फ्रेशर्स उनको एक्टिविटीज़ का पार्ट बनाया जा रहा है, ठीक है, और बहुत सारे गेम्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, और उसकी प्रिपरेशन में हम ग्राउंड में हैं। ये मेरा जूनियर जसपाल। हाँ जसपाल, हाई करो। हाय। और एक्टिविटीज़ की तैयारी है, ठीक है, ये रही, हमें ये जगह पे लगाने हैं, फिर बच्चे आएंगे, ठीक है, और टीम अलॉट हुआ है मुझे, टीम वाइट अलॉट हुआ है, तो वाइट टीम को गाइड करना है। यार इतने तो हमारे बैचेस में नहीं हुए थे, इतनी मस्ती, हमारा तो ऑनलाइन बैच था भैया, हमारा कुछ नहीं, BLLV 2020 ऑनलाइन, 3 दिन ऑनलाइन, लेकिन मज़ा आया था हमें भी क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे लोग आए थे, उनकी बातों को सुन के बड़ा मज़ा आया था, उनकी बातें आज भी इम्पैक्ट कर रही है। हाँ, और ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड और ये हमारे कैंपस के बिल्डिंग्स, ये देख सकते हो, ठीक है। उठ कसम खाए, उठ चला गया। अब स्टोरी कहाँ से शुरू होती है कि वो बच्चा लंदन जाता है, 15 साल की उम्र, बताओ लंदन जाना मजाक है? कोई आज भी आज वीजा लगा के दिखाइए आप, ये लगता है लंदन का नहीं लगता। फिर उस व्यक्ति के घर पे जाकर नौकरी करना, उसकी बच्ची को कॉलेज छोड़ के आना, उसकी कार को साफ करना, गाइज आज का जो ओरिएंटेशन सेशन का पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। आज आए थे पद्मश्री जितेंद्र संटी सर, वो मीन्स कैसे लगे बातचीत करके उनसे? बहुत अच्छा लगा मुझे तो बात करने का, मतलब मैं उनसे बात करना चाह रहा था, मैंने अपने फैकल्टी से कहा कि मैं उनसे बात कर सकता हूँ, तो उन्होंने बोला नहीं, और उसके जस्ट कुछ मिनट्स के बाद गगन भैया, ये हमारे गगन भैया 4th ईयर के हमारे सीनियर, ये हमारे जूनियर्स, वो पीछे देख रहे हैं रेड रेड, वो मेरी क्लासमेट है साक्षी, शी इज़ अ वेरी गुड डांसर, वेरी गुड एक्टर एंड सुपर डांसर, वो छोटी बच्ची नहीं है। हाँ तो मैं उनके बारे में बता रहा था ना, तो संटी साहब से उनसे बात हुई और क्वेश्चन करने का मौका मिला और आई वॉज लाइक द फर्स्ट पर्सन सर, बहुत मज़ा आया और सबको मज़ा आया। आपने क्वेश्चन भी अच्छा किया। हाँ क्वेश्चन अच्छा किया था। अरे यार मेरे को सही में वो चीज़ का डर है, मैंने वो नंबर कम बताया था, वो 250 नहीं वो 300, ठीक है। तो और वो पीछे हमारे सारे फैकल्टी से प्रिंसिपल सर, दे आर ऑल्सो ऑसम गाइज, और ये भी सारे के सारे, और वीडियोस शेयर करते हैं। और आज सेकंड डे कंप्लीट हो गया ओरिएंटेशन सेशन का, फाइनल वीडियो आएगा थर्ड ओरिएंटेशन सेशन के कंप्लीट होने के बाद, मज़ा आने वाला है। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय गगन भैया। फाइनली कॉलेज का काम खत्म, अब निकल रहे हैं मेरे डेली की दिनचर्या। अब चले, थोड़ा सा कुछ खाऊंगा, सुबह से कुछ नहीं खाया। आपने खाया भैया कुछ? थोड़ा बहुत, मैंने कुछ नहीं, तो अब जाता हूँ, कुछ बाहर से खाएंगे, फिर पढ़ाने चलेंगे। पढ़ाने वाला पार्ट मैं कभी और एक्सप्लेन करूँगा, बहुत तेज़ धूप है।
हेलो गाइस, 7 बज गए हैं और मैं वापस आ चुका हूँ अपने कमरे में। दिन थकावट भरा था, कॉलेज में ओरिएंटेशन सेशन का सेकंड डे था। पद्मश्री अवार्डी जितेंद्र सिंह सोंटी जी आए थे, उन्होंने 100 से अधिक